आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, प्रत्याशी परमिशन लेकर क्षेत्र में अपने साथ लेकर चल सकेंगे केवल 10 वाहन, एक गाड़ी में बैठेंगे केवल 5 व्यक्ति। एनसेफेलाइटिस की थमी रफ्तार से भी होगा विरोधियों पर वार। 2017 के बाद साल दर साल कम होता गया मरीजों व मौतों का आंकड़ा। योगी सरकार में चिकित्सा सुविधा को किया गया सुदृढ़, तो बीमारी की जड़ पर दी गई दस्तक। पिपराइस थाना क्षेत्र के चकिया पटरी के बगल की जमीन में मिला अज्ञात व्यक्ति दफना शव। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पिपराइस पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। एसपी नॉर्थ ने कहा, आसपास के लोगों से शव की कराई जा रही है पहचान। घटना के खुलासा के लिए बनाई गई है टीमें, जल्द ही होगा घटना का खुलासा। पूर्वांचल का ग्रेटर नोएडा जैसा ही होगा गीडा। राजनीतिक उपेक्षा ने किया था बदहाल, बदली सत्ता की नजर तो बदल गया है नजारा। समृद्ध लैंड बैंक से बाहर के उद्यमियों को भी लुभाने लगा है नया औद्योगिक वातावरण। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जनपद के प्रधानाचार्यों के साथ मतदाता जागरूकता शपथ ग्रहण तथा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। मतदाता जागरूकता का सभी प्रधानाचार्यों को दिलाया गया शपथ। कहा, प्रधानाचार्यों के माध्यम से जनपद के सभी छात्रों व उनके गार्जियन को 3 मार्च को होने वाले मतदान के प्रति किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 363। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। नागरिक सुरक्षा कोर के तत्वाधान में मतदान शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ आयोजित। उपस्थित छात्राओं को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी ने मतदान की दिलाई शपथ। कहा, लोकतंत्र में भागीदारी सभी की है जिम्मेदारी। 3 मार्च को वोट देने के लिए सभी को करें प्रेरित। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 356 केंद्रों पर 38,583 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 22,813 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 14,875 लोग रहे शामिल। एसीएमओ ने कहा, चुनावी भीड़भाड़ से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए करें कोविड प्रोटोकॉल का पालन, लगाएं मास्क, करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। शत प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत स्काउट गाइड ने निकाला मतदाता जागरूकता रैली। कहा, मतदाता समझे अपना अधिकार, जरूर करें मतदान। आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र के कुख्यात अमृतानी बाग में कच्ची शराब के कारोबारियों के खिलाफ चलाया अभियान। 3,000 लीटर कच्ची शराब यूरिया नौशादर किया बरामद। 15 भट्टियों को किया नष्ट। एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, पुलिस को किया सुपुर्द। और एक योगी जिसने बदला उत्तर प्रदेश नामक बेस्ट सेलर बुक के लेखक शांतनु गुप्ता अमेरिका से पहुंचे गोरखपुर। हुए मीडिया से रूबरू। कहा, गोरखपुर से न्यूयॉर्क तक बज रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका।